पे आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, यानी कि इंसोम्निया है, जिस कारण कि उन लोगों को गोलियों का सहारा लेना पड़ता है एक अच्छी नींद सोने के लिए। लेकिन बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान नहीं रहते हैं। ये गोलियां हैं, इनकी हैबिट पड़ जाती है, जैसे किसी चीज की लत पड़ जाती है तो उसको भी छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से ये नींद की गोलियों की हैबिट भी, यानी कि लत लेना भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो हमें योग के द्वारा ऐसा करना चाहिए कि हमारी नींद अच्छी हो जाए। हमें अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए। यदि जो लोग योग करते हैं, आज कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं प्राणायाम बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप अपना लेते हैं तो कोई भी ऐसा कारण नहीं बचेगा जिसके कारण की आपकी नींद ना आए आपको, या अच्छी गहरी नींद ना आए। लोगों के मन में विचार चलते रहते हैं, उथल पुथल मची रहती है, रात को करवट बदलते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं सोने का लेकिन फिर भी सो नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आजकल ये भाग दौड़ के जमाने में जो है, बहुत से लोग अपनी नौकरी को लेके, पढ़ाई के लेके, इंटरव्यू को लेके, यानी कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि वो लोग फोर्स उस पर देते रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। मतलब उनका मन जो है एकाग्र नहीं होता है, चारों तरफ भागता रहता है। जब रात में वो सोने के लिए लेटते हैं, जब भी कोई एकांत में जब सोने के लिए जाता है तो जो भी दिन भर की बातें होती हैं वो उस समय उसे जरूर सारी बातें याद आती हैं। किसी के साथ कुछ ऐसा घटा होता है, वो रात के समय ही वो सोचता है, तो ये सारी चिंताएं या टेंशन जो है उसे नींद नहीं लेने देती है, गहरी नींद नहीं आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भोजन जो है सोने के एक घंटे पहले कर लेना चाहिए। रात का जो डिनर करते हैं वो सोने के एक घंटे पहले कर लेना चाहिए। यदि आपने भोजन किया और जस्ट आप सोने के लिए चले गए तो ये भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो उस समय एक्टिव रहती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो अपना कार्य शुरू कर देती है। तो उस समय यदि हम सोने जाते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, हमें मतलब हमारा खाना वहीं का वहीं रखा रह जाएगा और हमें गैस भी बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है, जिससे जिसके कारण की हमारी नींद जो है डिस्टर्ब हो सकती है। और जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वयं हीलिंग करता है, यानी कि जो खाना खाने की जो पचाने की प्रक्रिया है वो भी फास्ट हो जाती है और हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। लेकिन जब हमारी नींद अच्छी नहीं होती है तो खाना भी अच्छे से नहीं पचता है, इसके कारण सुबह भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप खाना खाने के यानी कि एक घंटे बाद ही सोना है आप खाना खाने के बाद। अब ऐसा नहीं कि आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं, एक घंटे तो आप बैठ के टीवी देख लें या मोबाइल देख लें, नहीं, सोने के आधे घंटे कम से कम या एक घंटे पहले तो आपको स्क्रीन टाइम बंद कर देना है अपना। आपको बिल्कुल भी स्क्रीन में टाइम नहीं देना है, चाहे मोबाइल हो या टीवी हो। आप अपने घर के और काम निपटा सकते हैं उस समय। बच्चे हैं यदि आपके छोटे पढ़ रहे हैं तो उनकी कॉपी होमवर्क वगैरह आप देख सकते हैं, उनका ड्रेस वगैरह तैयार करके रखते हैं। अपने छोटे मोटे जो भी काम आपको सुबह के लिए होते हैं उन कामों को निपटा के रात में छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक घंटे के बाद ही सोना है। और जब खाना खा लिया आपने तो उसके बाद आप सोचें कि खाना नहीं खा रहे हैं हम, लेकिन हमने बच्चों को कुरकुरे लोग आज पकड़ा देते हैं, चिप्स पकड़ा देते हैं, वो खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ खाते ही रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा एक घंटे खाना पहले खा लेने का। आप दूध जरूर पी सकते हैं। जो लोग अपने डाइट में दूध को शामिल करते हैं वो लोग यानी कि खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध पी सकते हैं, 30 मिनट बाद, और उसके 30 मिनट बाद आप सोएंगे। यानी दूध पी के भी तुरंत नहीं सोना है। तो आपने एक घंटे पहले खाना खाया, फिर आधे घंटे पहले दूध पिया, फिर उसके आधे घंटे बाद आप बिस्तर पर जा सकते हैं। अब बिस्तर पर जाने के बाद भी यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ऐसा करें कि एक किताब ले लें, कोई भी किताब, धार्मिक आप पढ़ना चाहते हैं तो धार्मिक पढ़े, या जो आपको पसंद हो वो किताब आप लेके लेट जाए। और जब आप उस किताब को पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे जो आपका विचार थे चारों तरफ भाग रहा था आपका मन, वो धीरे धीरे समिट के उस पुस्तक पर पहुंच जाएगा, जो आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे उस जगह पर पहुंच जाएगा। तो चारों तरफ से हमारा मन एकाग्र होकर उस किताब पर पहुंच गया है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको देखेंगे 10 से 15 मिनट में नींद आ जाएगी। किताब पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। मोबाइल नहीं देखें, टीवी नहीं देखें, लेकिन बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है, इससे हमारा
बहुत ये बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन इनको अपनाते नहीं है। आलस बस, यानी कि अब रात नींद नहीं आ रही है, कौन उठे लाइट जलाए भोग ले, थोड़ा सा आलस छोड़े, आपको एक ये सोचते रह जाए कि आ ही जाएगी नींद, आ ही जाएगी, कहो आप 1 घंटे 2 घंटे लेटे रह जाए, लेकिन यदि आप थोड़ा सा उठ लेंगे और लाइट जला के बुक ले लेंगे पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपको 15 मिनट में ही नींद आ जाए। तो ये तो आपको करना है जब आप जा रहे हैं, ये तुरंत फायदा देने के लिए है, जब नींद आपको नहीं आ रही है तुरंत आप, लेकिन आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन भी तो अपनाना पड़ेगा कि जब आपको परमानेंट आपकी ये समस्या खत्म हो जाए, जैसे ही आप सोने जाएं और आपको अच्छी एक नींद आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, योग करना होगा। सबसे पहले हमें इस तरह से बैठ जाना है। इसके पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए उसके पहले हमें सीधे ऐसे बैठ जाना है, आप चाहे इस तरह से तीन मुद्रा बना के बैठ जाए या दोनों हाथों को इस तरह से रख के भी बैठ सकते हैं, सीधे बैठना है, स्पाइन को सीधा रखना है और श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है। फिर बाहर छोड़ देना है। गहरी अंदर भरनी है और उससे भी ज्यादा लंबा बाहर छोड़ना है, और इस प्रक्रिया को बैठ के आप कम से कम 10 मिनट तक करते रहे, और श्वासों को धीरे धीरे बिल्कुल धीरा धीरे करते जाए, यानी कि जितना धीरे आप ब्रीदिंग लेंगे जितना धीरे, इस तरह से कि कोई भी आवाज नहीं हो रही है। इस तरह से आप जितना सांसों को धीरा करते जाएंगे उतना ही आपका मन जो है एकाग्र होता जाएगा। तो आप इसको कम से कम 5 मिनट तो आपको करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट तक भी करते रहेंगे, जितना ज्यादा करेंगे तो आपके माइंड को ये रिलैक्स देगा, आपके मन को शांत करेगा, और जब भी आप सोने के लिए जाएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपके स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, आपके मन को शांत करेगा, याददाश्त को तेज करेगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है, और आपकी इंसोम्निया की शिकायत को भी दूर करेगा। इसको करने से आपको गहरी और एक अच्छी नींद आएगी। इसको करने के लिए भी आप ऐसे सीधे बैठ जाएं और एक हाथ में विष्णु मुद्रा बनाए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले सांस को अंदर भरे, राइट से बाहर छोड़े, राइट से अंदर लें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये था एक क्रम, इसी तरीके से कम आप 10 राउंड करें इसको, क्योंकि ये जो जितना आप धीरे धीरे ये करेंगे, जितनी धीरे धीरे ब्रीदिंग लेंगे और जितनी धीरे धीरे ब्रीदिंग छोड़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपका मन शांत होता जाएगा। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद आपको करना है शो हम, शो हम मंत्र का आप जाप कर लें, शो हम। इसको हमें किस तरह करना है, देखिए ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं या इस तरह भी बैठ जाइए। ये मंत्र है, आप जो भी मंत्र करना चाहें वो मंत्र कर सकते हैं, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। इस तरह से बैठ जाए, जब श्वास अंदर भरे तो शो से आप करें। अगर आप इसके लिए और कुछ करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय करना चाहते हैं तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इस तरह से आप यदि करेंगे तो आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा और जब भी आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसके बाद हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये हमारे नींद ना आने की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि जब हम भ्रामरी करते हैं तो जब भौरे की बीट निकालते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन देती है और हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण कि हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता होता जाता है और हम नींद जो ना आने की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो हमें ऑटोमेटिक ही एक अच्छी नींद आने लगेगी। इसको करने के लिए भी हमें दोनों हाथों को अपने इस तरह से रखना है, थंब को अपने कान पे रखना है, दोनों गोलियों को आंख पे इस तरह से, श्वास को गहरा अंदर भरना है, इस तरह से आप करें। ये जो ध्वनि निकालते हैं इसको तेज निकालने के चक्कर में आप अपनी नींद को यानी कि अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करें। ये ध्वनि जो है आप धीरे भी आपसे निकल रही है तो कोई नहीं, आप यदि सोने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ही करना है, गहरा अंदर सांस भरना है और लंबा छोड़ना है और ध्वनि निकालते हुए छोड़ना, आराम से हमें ध्वनि निकालनी है, कोई अपनी सांस को तेज करना नहीं है, धीरे धीरे इस तरह से हमें ध्वनि को बाहर निकालना। तो आप ये सारी चीजें यदि जीवन में अपना लेते हैं तो कोई भी ऐसा कारण नहीं बचेगा कि आपको नींद ना अच्छी आए, आपकी इंसोम्निया की शिकायत दूर हो जाएगी, आपके स्ट्रेस रहता है यदि डिप्रेशन रहता है तो ऐसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा, मन एकाग्र हो जाएगा और साथ ही साथ में आपकी याददाश्त भी तेज होने लगेगी यदि निरंतर इसका आप अभ्यास करते रहेंगे। तो आप ये सब करते रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धन्यवाद।